हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल फ्रॉम जीसी स्कूल। बच्चों, लास्ट वीडियो में आपने लेसन नंबर 9 किया था, मेघा अब तो बरसूरी। आज आपका है बच्चों पार्ट नंबर 10, गांव की सैर। तो देखिए बच्चों, ओपन योर बुक पेज नंबर 46 एंड लेट्स स्टार्ट विद मी। छवि के चाचा जी गांव में रहते हैं। एक बच्ची है, अपने चाचा जी के बारे में बताया है कि छवि के चाचा जी गांव में रहते हैं, वे वहाँ खेती करते हैं। छवि के पिताजी का शहर में व्यापार है, वे शहर में ही रहते हैं। छवि भी शहर में ही पली पड़ी है। पिताजी कभी कभी गांव जाते रहते हैं, परंतु छवि कभी गांव गई हो ऐसा उसे याद नहीं आता। इसमें बताया है कि छवि के चाचा जी गांव में रहते हैं लेकिन पिताजी शहर में, और छवि को याद नहीं आता कि वह कभी गांव गई थी। लेकिन उसमें बताया है कि पिताजी कभी कभी गांव जाते रहते हैं। वह बहुत दिनों से पिताजी से गांव ले चलने के लिए कह रही थी। कौन कह रही थी बच्चों? छवि अपने पिताजी से कह रही थी। पिताजी ने उसे दशहरे की छुट्टियों में गाँव ले जाने का वायदा किया था। पिताजी ने क्या कहा था उसे? कि दशहरे की जो छुट्टियाँ आएंगी, जो अवकाश आएगा, उसमें हम गांव चलेंगे। दशहरे की छुट्टियों में छवि अपने माता पिता के साथ गांव गई। जैसे ही फिर दशहरे की छुट्टियाँ आई, छवि अपने माता पिताजी के साथ गांव चली गई। गांव में उसका चचेरा भाई समीर रहता है। समीर के लिए उसने अपनी मम्मी से एक ऐसा सुंदर खिलौना मंगवाया। उसके मन में गाँव जाने की तीव्र इच्छा थी। तीव्र मतलब बहुत अधिक तेज। गांव पहुंचकर छवि ने देखा कि वहां के घर शहरों के घर की तरह पक्के नहीं थे। यहाँ छप्पर वाले घर अधिक थे। बच्चों, छप्पर वाले घर किसे कहते हैं? जैसे गांवों में घास फूस से मकान बनाया जाता है, उसे छप्पर कहा जाता है। किसी किसी घर के ऊपर तो खपरेल भी नहीं थी। दो चार मकान सीमेंट और ईंटों के थे, शेष सभी कच्चे थे। बच्चों, गांव में अक्सर मकान कच्चे ही हुआ करते थे, तो इसलिए छवि शहर के रहने वाली बच्ची थी, इसलिए उसे विशेष लग रहा था। नहीं, गांव में अक्सर मकान कच्चे ही होते हैं। घर पहुंचकर छवि ने समीर को खिलौना दिया। खिलौना पाकर वह खुशी से उछलने लगा। चाचा चाची भी उसे देखकर बहुत खुश हुए। समीर ने छवि का हाथ पकड़ा और बोला, चलो दीदी, तुम्हें बंदर का तमाशा दिखाकर लाऊं। दोनों बंदर का तमाशा देखने चल पड़े। समीर छवि की गलियारों में घूमता बरगद के वृक्ष के पास ले गया। वृक्ष पेड़। छवि ने देखा एक मदारी बंदर का तमाशा दिखा रहा था। एक मदारी क्या कर रहा था? बंदर का तमाशा दिखा रहा था। वह डमरू बजा रहा था, एक बंदरिया नाच रही थी, सब बच्चे ताली बजा बजा कर हंस रहे थे। कुछ देर बाद तमाशा ख़त्म हो गया। कुछ देर बाद जब तमाशा ख़त्म हुआ, तो घर के आंगन में आम, अमरूद और नीम के वृक्ष के थे। समीर ने छवि को अपने गाय, भैंस, बैल तथा बछड़े दिखाए। ये बहुत अच्छा लगा, क्योंकि बच्चों छवि को ये क्यों अच्छा लगा? गाँव में जिस तरीके से घर आंगन में पेड़ और गाय भैंस वगैरह होती हैं, इस तरीके से शहर में देखने को नहीं मिलता। चाची जी ने छवि के लिए सरसों का साग तथा मक्का की रोटियां बनाई। छवि को यह भोजन बहुत स्वादिष्ट लगा। स्वादिष्ट खाने में अच्छा लगना। अगले दिन छवि समीर के साथ खेतों की सैर करने गई। सैर घूमने। उसे खेतों में खिली पीली सरसों बहुत अच्छी लगी। दो दिन गांव में रहकर वह माता पिता के साथ शहर लौट आई। उसने अपनी सहेली प्रभा को बताया। गांव के लोग सभ्य अच्छी आदतों वाली और सीधे होते हैं, बड़ी नरमी से बात करते हैं। उनके घर कोई भूखा सो जाए तो भोजन खिलाते हैं, प्यासा जाए तो पानी पिलाते हैं। वे लोग बड़ी मेहनत करके अनाज पैदा करते हैं। गांव की जलवायु अच्छी होती है, लोग स्वस्थ और बलवान होते हैं। शहर की भीड़ भाड़ और शोरगुल से गांव कोसों दूर है। तो ऐसा लगा कि छवि को शहर का
छवि ने जब गांव की तुलना करी तो उस छवि को गांव बहुत ही अच्छा लगा। वहां का रहन सहन आदतें छवि को बहुत अच्छी लगी। तो बच्चों वास्तव में ही अगर हम शहर की गांव की तुलना करते हैं तो गांव में जो वातावरण है, शुद्ध जलवायु है, अपनापन है, मान सम्मान है, वह शहर में नहीं। और होमवर्क इज रीड लेसन नंबर 10। आज बच्चों आपने लेसन नंबर 10 को रीड करना है। ओके बच्चों, थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।